वेलकम टू द परफेक्ट क्लास। आज हम सीखेंगे त्रिभुज ट्राइंगल। इसमें एक ट्राइंगल दे रखा है, ये एनसीईआरटी का है, 10th का मैथ्स चैप्टर 6 का क्वेश्चन है, 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ दे रखा है ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में हमें फाइंड करना है। यहाँ ए दे रखा है, ए बी दे रखा है, बी डी दे रखा है एंड ए ई, लेकिन ई सी नहीं दे रखा है, सी ई यहाँ फाइंड करना है। तो ये हमें फाइंड करना है। अब इसे फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे, तो हमें सी ई क्वेश्चन दे रखा है, इसे फाइंड करना है क्वेश्चन निकाल के। तो हमें तीनों चीज़ दे रखी है, लिख लेंगे जो हमें दे रखा है, जैसे ए डी अपॉन, अब ए डी, ए डी का आधार है ये, तो इसके अपॉन में ही आएगा, आधार आएगा उसके अपॉन में। तो यह दे रखा है बी डी, ए डी का आधार बी डी, यहाँ ऐसे ले लेंगे ए ई, ए ई का आधार क्या है सी ई, तो यहाँ लिख लेंगे हमने दोनों लिख लिए। अब की वैल्यू लिखेंगे, ए डी हमारा है 1.5 सेंटीमीटर एंड बी डी है 3 सेंटीमीटर एंड ए ई 1 सेंटीमीटर एंड ई सी जो हमें फाइंड करना है, सी ई, सी ई जो हमें फाइंड करना है वैसे ही लिखेंगे सी ई। एंड सेकेंड स्टेप, अब अगली स्टेप में हमें करना है ये जो नंबर्स दे रखे, इस वाले संख्याओं को, कुल संख्या को बराबर किस तरफ लाएंगे। जब भी संख्या बराबर के इस तरफ जाती है तो अपने पोजीशन चेंज हो जाती है। तो ये है मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, और ये डिवाइड में था, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इसको हेडल ले जाएंगे सी ई, यहाँ था इसके इधर आ गया 1, ये 1 सर 3, ये डिवाइड में था, ये उठ के इधर आएगा, ये आ गया मल्टीप्लाई, यहाँ डिवाइड होता है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होता है, इधर आ गया तो डिवाइड होता है, इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे सी 3 1 3 1.5। अब यहाँ पर इस पाइन को हटाना पड़ेगा ताकि डिवाइड कर सकें। जब यहाँ पाइन हटता है, निचली संख्या है, ऊपर वाली संख्या पाइन हटाते हैं, उसके ऊपर या नीचे वाली संख्या में 0 बढ़ जाता है। तो यहाँ 0 नीचे है पाइन, तो अगली स्टेप में हमने पाइंट हटा दिया, तो यहाँ एक संख्या थे, यहाँ एक 0 बढ़ गया, फिर हो गया 13/15। तो 15 से 13 को डिवाइड करेंगे हम, 15 के टेबल में 13 आता है, तो आंसर आ जाएगा 15 2 30। तो सी ई बराबर आ गया सेकेंड, तो सी ई हमारा सेकेंड 2 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 2 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, इस पर ट्राइंगल हमारा कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको कोई सवाल हो, डाउट हो, तो हमें कमेंट्स करें। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।